देखो क्लास 11 14 हो गया ना, चैप्टर 14। चैप्टर नेम क्या हो गया? धरपड़ी लाइन मैथमेटिकल रीजनिंग। मैथमेटिकल रीजनिंग हिंदी होता है इनका, गणितीय विवेचन। क्या होता है? गणितीय विवेचन। एक एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे मान के चलो कि यहाँ पर 2 ले लिए, 4 ले लिए, 6 ले लिए, ठीक है, ऐसे डॉट डॉट मार दिए, और यहाँ पर हम ले लेते हैं 10 ले लेते हैं, 12 ले लेते हैं, बोलो यहाँ पर क्या भरा जाएगा? 8 जी सर। भरा जाएगा ना जी सर? कितने भरा जाएगा? 12। तो देखो एकदम विवेचना कर लिया ना, एकदम समझ लिया कि एकदम दो दो सब में जुट रहा है। देखो ये विवेचने पर ना एकदम आधारित है जी। यस सर। यहाँ पर 10 जाएगा भरा, 8 जाएगा भरा। उसी प्रकार से देखो यहाँ पर हम लेते हैं 1, 8 ले लिए, समझ गया ना। उसके बाद 27 ले लिए, डॉट डॉट मार दिए, समझ गया। और यहाँ पर 125 ले लिए, बोलो यहाँ पर क्या जाएगा भाड़ा? 1, 8, 27। यहाँ पर हम क्या भरेंगे, समझ गया ना। 4 पावर 3 क्या होगा? 64 होगा कि नहीं होगा? 4 चौके 16 चौके। देखो ये जो संख्या दी गई है इनसे तुलना ने किया जी सर, तब ने से आधार पर कह रहे हैं यहाँ पर 64 होगा। 1 का क्यू है ना, 0 का क्यू है ना, 3 का क्यू, 5 का, 4 का। अब 4 का होगा ना जी, अब क्या होगा? 125। स्टेटमेंट कथन क्या? तो देखो कोई भी वाक्य, कोई भी वाक्य स्टेटमेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? स्टेटमेंट कहलाएगा। या तो वह क्या हो, सत्य हो, या तो वह असत्य हो, दोनों एक साथ नहीं हो, यानी दोनों जो है कि सत्य भी होगा असत्य भी होगा, उनको हम स्टेटमेंट नहीं कहेंगे, कथन नहीं कहेंगे, तब वाक्य ही रह जाएगा। तब क्या रह जाएगा? वह वाक्य ही रह जाएगा, समझ गया ना। या तो सत्य है तो कथन है, असत्य है तब पर भी कथन है, असत्य असत्य दोनों है तो वह क्या है? वाक्य ही रहेगा, समझ गया ना। वह क्या है? वाक्य ही है। तो देखो सभी कथन जो होते हैं वाक्य होगा, सभी कथन क्या होगा? वाक्य होगा, लेकिन सभी वाक्य कथन नहीं होगा, समझ गया ना। तो कथन में क्या है? कंडीशन लगा हुआ है, और वाक्य में कोनो कंडीशन होता है नहीं है, चाहे सत्य हो असत्य हो कि दोनों हो, वाक्य होगा ही, लेकिन ये कथन में वो सब बात नहीं है, या तो सत्य होगा या तो, समझ गया ना। लिखो कोई sentence. कोई सेंटेंस मतलब वाक्य कथन कहलाएगा, या गणितानुसार कथन कहलाएगा। गणिता गणितानुसार मैथ, कोई सेंटेंस गणितानुसार कथन कहलाएगा यदि वह या तो सत्य हो, यदि या तो सत्य हो, सत्य हो या असत्य हो, परंतु दोनों, परंतु दोनों कोष्ठ में लिखो सत्य या असत्य। कोष्ठ में क्या लिखना है? सत्य और असत्य, और सत्य और असत्य, असत्य कोई स्टेटमेंट नो हो, नो हो, नो नो। एक्सरसाइज क्या हो गया? 1.1।
14.1 हो गया ना, एक्सरसाइज 14.1। पहला इसमें सवाल है, अब देखो कह क्या रहा है, ये भी चीज पूछना है। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा कथन है, अपने उत्तर के लिए कारण भी बतलाइए। कौन कथन है, जो कथन होगा उनका कारण भी बतला देना है, समझ गया ना। तो कह रहा है कि एक महीने में 35 दिन होते हैं। सर जी ये कथन है, ये जो है एक महीने में 35 दिन होते हैं। 35 दिन होते हैं, असत्य बात है लेकिन कथन है। तो देखो इनका कारण क्या, ये क्या होगा, ये कथन होगा या कथन होगा, कथन होगा, क्या होगा, कथन होगा। क्योंकि ये जो वाक्य है ये असत्य है, वाक्य क्या है, असत्य। जो वाक्य असत्य होगा वो क्या होगा, कथन होगा। कारण यही हुआ जी, एक महीने में 35 दिन नहीं होते हैं, कारण यही हुआ जी सर। लिखना है कथन है, क्या लिखोगे, कथन। हाँ यहाँ पर लिखेगा कि एक महीने में 30 दिन, महीने में 35 दिन नहीं होते, 35 दिन नहीं होते, होते हैं या असत्य है, यह वाक्य असत्य है, यह वाक्य है, 35 दिन होते हैं, 35 दिन नहीं होते हैं, समझ गया ना। एक महीने में 35 दिन होते हैं तो यह वाक्य है असत्य होता है, असत्य है, यह वाक्य है असत्य है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एक महीने में 35 दिन नहीं होते हैं, तो इनका कारण समझ गया ना, यह कथन क्यों है। दूसरा कौन है सवाल, आप जो बोले सर जी फंसिया गया, गणित एक कठिन विषय है, कौड़े की गणित एक कठिन विषय है, गणित एक कठिन विषय है। तो ये सर जी वाक्य है, कथन ना है, ये क्या होगा, वाक्य, वाक्य है, क्योंकि आप इसमें तो स्पष्टीकरण नहीं देना है, इसमें देना है स्पष्टीकरण नहीं देना है, कथन में देना है जो कथन होगा उसका। तीसरा क्वेश्चन क्या है, पढ़ो तो, 5 और 7 का योग 10 से अधिक होता है, तो 5 और 7 का योग फल 10 से अधिक कथन होता है, कथन होता है, सत्य है, 5 और 7 तो कथन हो गया ना, यस सर, कथन है। स्पष्टीकरण में क्या देगा, किसी संख्या का वर्ग कारण में क्या बतलाएगा, नहीं देंगे सर जी, 5 और 7 और 5 का योग फल 12 होता है, जो कि 10 से अधिक अधिक है, यह सत्य है, यह सत्य, समझ गया ना, कथन है, सत्य है। रुकिए आप बनाते जा रहे हैं, चौथा है कि किसी संख्या का वर्ग, दो का बताइए ना, किसी संख्या का वर्ग एक सम संख्या होती है, कथन है, कथन, ये किसी संख्या का वर्ग एक सम संख्या होती है, क्या ये सत्य है, वाक्य है, कथन है, कथन है, कथन सर जी, किसी संख्या का वर्ग क्या बोले, कथन है, किसी संख्या का वर्ग एक सम संख्या होती है, कथन है, कथन है सर जी, वाक्य है ये सर जी, समझ गया ना, वाक्य दोनों है, बताबिया, कथन है, ये क्या हो गया, असत्य, आप देखो असत्य कथन है सर, यहाँ पर सर ये जो बोल रहा है, ये जो वाक है, ये कह रहा है किसी संख्या का वर्ग क्या होती है, सम होती है, तो ये क्या वाक ये सही है, नहीं सर, क्योंकि नहीं है, क्योंकि इसका जो है ये जरूरी नहीं है कि ये जो है कि सम ही होगा जी सर, जरूरी नहीं है, नहीं है, किसी संख्या का वर्ग क्या होगा, जैसे 11 का हम स्क्वायर किए, 100 का, 121 सम है कि विषम है, विषम है, एक का हम करेंगे, सम है कि विषम है, तो ये जो वाक दिया है ये गलत है कि नहीं, असत्य है कि नहीं, इसलिए यह क्या है, कथन है, आंसर में देखो तो क्या है, दो का करेंगे सर जी, है ना आंसर में, सर जी दो का करेंगे तो 4 हो जाएगा सर, सत्य होगा ना, असत्य होगा, कैसे होगा, ये चीज नहीं देखो, ये जो हम बोल रहे हैं, ये जो बोल रहा है कि एकदम दावा में की बोल रहा है, समझ गया ना, कि किसी सब के लिए बोल रहा है, अच्छा सब के लिए, आओ समझे हम, समझ गया ना जी सर जी, सब के लिए बोल रहा है, असत्य होगा, तो ये क्या होगा, असत्य होगा,
तो ये आपको कथन हो गया और असत्य। उसके बाद पांचवा देखो, इसमें कारण क्या लिखेंगे? कारण या उसमें कारण लिखना है कि किसी संख्या का वर्ग सम संख्या होती है या असत्य है, दोनों आ जाता है सर, सम और विषम दोनों आ जाता है ना, लेकिन ये दावा के साथ कह रहा है सही होता है, होता ही है। हम ऐसा उदाहरण दिए कि दो का एकदम वर्ग करो तो असत हो गया कि नहीं हो गया? युवा हो गया ना सत, तुम एकदम दावा के साथ एकदम बोल रहे हो हम दो का उदाहरण देंगे करो वर्ग, चार हो गया सम हो गया, ये सम हो गया, और फिर हम दे दिया आपको 11 का उदाहरण करो तो सम हो गया, नौ का ही हम दे दिए, सात का हम दे दिए, तीन का हम दे दिए, तुम्हारा तो वाक गलत वाक नहीं हुआ, वाक गलत है ना, ये वाक क्या है? गलत है। उसके बाद है कि किसी चतुर्भुज की भुजा है बराबर लंबाई की होती है, जी सर, किसी चतुर्भुज की भुजाएं बराबर लंबाई की होती हैं। कथन कथन ये कथन है कि वाक्य है, वाक्य कथन है, वाक्य कथन है, कथन है, ये बात असत्य है, लेकिन ये बात असत्य है जी, कथन जरूरी है कि भुजा सब आपस में बराबर होगा चतुर्भुज का, असत्य जरूरी है, कथन है, लेकिन ये कथन है लेकिन असत है, क्योंकि मान के चलो बहुतो चतुर्भुज में भुजा जो होता है वो बराबर नहीं भी न होता है, जैसे कि ले लीजिए ना समांतर चतुर्भुज ले लीजिए, समलंबे ले लीजिए, समझ गया ना, यानी समांतर ही लेते हैं तो चारों भुजा जरूरी है कि बराबर ही होना चाहिए नहीं ना, ये जो वाक दिया है ये असत है कि नहीं? ये जो वाक एकदम यहाँ पर लिखा हुआ है असत है ना, वाक हुआ असत, हुआ कथन, वाक हो गया असत तो क्या हो गया? कथन। हम क्या लिखा है कि जो वाक सत्य होगा, सत्य हो या असत्य हो वो क्या होता है? कथन होगा, कथन जिसमें दोनों चीज हो जाएगा, जिसमें दोनों चीज हो जाए कथन नहीं होगा, कथन नहीं होगा वो वाक्य होगा। अब तुम लोग संभावना तलाश रहे हो कि बराबर भी तो होता है, इसलिए कंफ्यूज्ड हो रहा है, वैसा नहीं सोचना है, देखो ये पढ़ो ये वाक्य क्या कह रहा है, कह रहा है बराबर होती है, सभी के लिए कह रहा है, सभी को शान रहा है, सभी को जो शान दिया तो गलत नहीं हो गया, जो सभी को शान दे वो क्या होता है? असत्य होगा, समझ गया ना, इसलिए यह क्या है? कथन है, कथन है, ये क्या है? कथन है, कथन है, बहुत ही अच्छा लगा सर जी बनाने में, छह नंबर सर कथन। आप देखो छह नंबर का जो सवाल है इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, किस प्रश्न का? अवैध प्रश्न नहीं है, प्रश्न ही है, इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, तो कौन प्रश्न जानते हो? जी सर। नहीं जानते हो? जी सर। तो इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, तो आप प्रश्न सत है कि असत है ये नहीं जान रहे हो, वाक्य जहाँ हो सकता है सत ही प्रश्न होगा, जी सर, या तो हो सकता है वो असत्य होगा, तो ये क्या होगा? वाक्य होगा, बड़ी मस्त लगे। उसके बाद है कि माइनस एक और आठ का गुणनफल आठ है, माइनस एक सर जी कथन है, आप देखो माइनस एक गुना आठ का गुणनफल क्या कह रहा है? आठ है, असत्य है, लेकिन सर जी कथन तो है, कथन है, होगा कभी आठ के बराबर? नहीं सर जी, माइनस आठ में होगा, असत हो गया नहीं? जी सर। ये क्या हुआ? कारण यही हुआ, कारण ये नहीं हुआ माइनस एक गुना आठ बराबर क्या होता है? माइनस आठ, जो कि आठ के बराबर नहीं है, नहीं होता है, तो ये आपका कथन हो गया, क्या हो गया? कथन। अब देखो क्या कथन, किसी त्रिभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, किसी त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल, ये सर सत्य है, कथन है सर जी, आसान में एकदम आराम से कथन, बहुत आसान, सब कथन। उसके बाद है कि आज एक तूफानी दिन है, आज एक
तूफानी दिन आज एक तूफानी दिन है। आप मान के चलिए वाक है ना जी सर जी, आज मतलब तूफानी दिन है कि नहीं है, कौन दिन है, फिक्स थोड़े है, अनुमान लगा आज एक तो कौन आज सर जी वाक्य है। आज हम बोलते हैं आज एक ही लेते हैं, तूफानी दिन है, तूफानी दिन देखो कहीं से तूफान आ रहा है, हो सकता है तूफान आ सकता है, तूफान भी आ सकता है, तूफान वाक न हुआ तो इसमें क्या लिख दो वाक्य वाक्य। उसके बाद है कि सभी वास्तविक संख्याएं सम्मिश्र संख्या होती है, सम्मिश्र संख्या कथन सभी वास्तविक संख्याएं सम्मिश्र संख्या होती है, समझ गया ना जी सर। तो ये आपको क्या होगा कथन होगा ये सर, और समझना चाहो तो कॉम्प्लेक्स नंबर हम पढ़ाए थे तो समझ लो कि x जोड़ आई वाई के फॉर्म वाले संख्या को हम क्या बोलते हैं, सम्मिश्र संख्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, समझ गया ना जी। यानी x और y क्या हो दो रियल नंबर हो, x और y क्या हो दो रियल नंबर हो, तो समझ गया ना, जहाँ i बराबर रूट ओवर माइनस वन, i बराबर रूट ओवर माइनस वन, समझ गया ना। x प्लस आई वाई के फॉर्म को हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, या रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। दिक्कत भी है सर, ये एक्सरसाइज तो कंप्लीट हो गया जी सर, एक कोई और है सर, कह रहे कि वाक्यों के तीन ऐसे उदाहरण दिए जो कथन नहीं है, ये अपना उदाहरण नहीं दे सकता है, वो बताए थे ना कि महिलाएं पुरुष से ज्यादा बुद्धिमान होती है ना, मतलब टीपी कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र सफल होते हैं, समझ गया ना, ये भी वाक्य वाक्य क्योंकि सफल होता नहीं होता और पड़ेगा।